न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अलीगढ़ के खेरेश्वर मंदिर धाम पर आ चुके हैं और जैसे कि स्माइल फाउंडेशन जो द्वारा जो योगदान किया जा रहा है उन्हीं से जानेंगे कि क्या संस्था है आपकी और क्या नाम है आपका। जी भाई, मेरा नाम नीरज है जी और हम स्माइल फाउंडेशन चलाते हैं। आज हमारा खेरेश्वर धाम मंदिर पर कार्यक्रम था, यहाँ पर चाय विस्तृत कार्यक्रम है। हम साप्ताहिक भोजन जैसे आदि कार्यक्रम कराते हैं। ये जो संस्था है आपकी कब से लेके कब तक चल रही है? ये हमारी 2 साल से चल रही है जी और आगे चलती रहेगी। अच्छा, आगे चलाएंगे और आप सभी के सहयोग से चल रही है अभी तक तो। अच्छा, तो कितने प्रोग्राम अब तक 2 साल में लगभग कर चुके हो आप? कम से कम हम हर एक महीने में हफ्ते में करते रहते हैं हर एक कार्यक्रम जो है। हाँ जी, महीने में चार बार। हाँ जी, महीने में। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को स्माइल पब्लिक करना, मतलब पब्लिक को स्माइल करना, खुश करना पब्लिक को, छोटे बच्चों को खुश करना। तो ये प्रोग्राम अब लास्ट बार कब चलेगा, कहाँ चलेगा? अब ये चलेगा हमारा ये धाम मंदिर पर 22 तारीख को अगला। तो ये प्रोग्राम सुबह कितने बजे हुआ था? और ये हमारा प्रोग्राम सुबह 4 बजे से चला है और रात तक चलेगा अभी तक। तो कितनी चाय आप अपने वितरण की कर दी? कम से कम हमारे 1500 से 2000 तक चाय बिस्किट। तो संस्था का संदेश क्या है? संदेश का उद्देश्य है जनता को खुश करना, बच्चों को खुश करना। तो हमारे साथ एक और साथी संस्था के मौजूद हैं कि एक और व्यवस्थापक मौजूद हैं, तो जरा उनसे ही जानेंगे उनका नाम क्या है। संजय अग्रवाल नाम है मेरा, संजय अग्रवाल। संस्था जो चलाई जा रही है जी, क्या सहयोग है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सहयोग मेरा, मैं केवल मार्गदर्शक के रूप में हूँ इन बच्चों के साथ जो है। मैं चाहता हूँ कि लोग इनकी सहायता करें, सहयोग करें, जैसे कि बारकोड लगा रखा है अपना जो है उसके माध्यम से। ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने छोटे माध्यम से ही जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन किया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शाम को ठेके पे पहुँचते हैं, 100-200-300 शराब में खर्च करते हैं। इन लोगों का फंडा क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि वो पैसा कंट्रीब्यूशन किया, इकट्ठा करने के बाद वो पब्लिक के लिए खर्च कर दिया। कोई अपाहिज है, विकलांग है, उसके लिए बैसाखी दिला दी, साप्ताहिक भोजन का कार्यक्रम कर लिया, चाय वितरण का कार्यक्रम कर लिया ठंड को देखते हुए। बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह के कार्यक्रम भविष्य में करते रहेंगे ये लोग जो है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जमा पूंजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी संस्था में कितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था में करने के लिए अभी ये 4-5 बच्चे हैं जो आपस में मिलकर करते हैं, और लोगों को चाहते हैं ये लोग जुड़ना के जुड़ जाएं, और अच्छा रहेगा जुड़ जाएंगे कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोग, तो कुछ धनाढ्य लोग भी जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी इसके चलाने के लिए। तो ये प्रोग्राम कब से लेके कब तक है? ये आज का जो कार्यक्रम है तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 बजे के आसपास से, 2-3 बजे के आसपास से चल रहा है और देर रात्रि तक चलेगा 9 बजे के। महीने में कितने प्रोग्राम होते हैं? महीने में 4 साप्ताहिक कार्यक्रम तो रखते हैं, भोजन वितरण के 4 साप्ताहिक कार्यक्रम, और महीने में एक बड़ा कार्यक्रम और रख लेते हैं। जैसे कि अब ये ठंड चल रही है तो बच्चों को कपड़े वितरण का कार्यक्रम, जब जरूरतों को जरूरतमंदों की चीज़ें देने का कार्यक्रम, इस तरह से रख लेते हैं। नई साल पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? नई साल पे कहना चाहेंगे कि जैसे कि 2023 गया लोगों के लिए, देखा मैंने जो है कि काफ़ी मायूस थे लोग 2023 में जो है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लोग खुश हैं जो है 2024 को लेकर, फिर राम मंदिर को लेकर उत्साहित हैं और प्रभु की कृपा। बोलो जय श्री राम। तो हमारे साथ संस्था के एक और जो है मौजूद है, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश सिंह, और हम इस स्माइल पब्लिक फाउंडेशन को चला रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गई हैं, और हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक थे संजय भैया जी, उर्फ सोनू और नीरज भैया जी। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ये और लोगों में फैले। हमने YouTube पर भी चैनल बनाया हुआ है स्माइल पब्लिक फाउंडेशन, और Instagram पर भी है। अगर आपको हमारी सहायता करनी है तो Instagram पर जाके हमें DM कर सकते हैं, और हमारा बारकोड लगा हुआ है। अच्छा, उस पर संस्था का आपका नंबर क्या है? संस्था का नंबर बताएंगे आप? संस्था का जो मोबाइल नंबर है वो बताएंगे? मोबाइल नंबर है 7500191574, और एक है 6363958343173, ये 2 नंबर है हमारे। तो इस नंबर पे सहयोग कर सकता है कोई? यस, कर सकते हैं आप। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? और संदेश ये देना चाहते हैं, अगर आपसे जितना हो सके हमारी सहायता करें, और अगर आपके जितने भी एरिया में जितने भी गरीब हैं उसको आप सहायता करें, भले ही थोड़ी सी करें। अगर हम कर रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें देख के कहते हैं कि तुम दिखावा कर रहे हो YouTube पर। अच्छा, बट ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें देख के और भी लोग प्रोत्साहित हो और ये ऐसा करने की कोशिश करें। इसीलिए तो अभी तक संस्था में कितने लोग मौजूद हैं कम से कम? हम अभी 4-5 ही हैं, और हम छोटे हैं, अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, और हम प्रयास। हाँ,
अगर किसी को जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चैनल है। तो आज कम से कम कितनी चाय वितरण की होगी आपने? हमने सुबह से 1,500-2,000 के तकरीबन कर दिए। आगे भी ये प्रयास? हाँ, आगे करते रहेंगे। और 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उस समय हम चाहते हैं कि जो कंबल हैं गरीबों को रात को कंबल वितरण करें। और अगर किसी को सहायता करनी है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है हमारे साथ। कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बताइए। 7500195174 और 6395834317। सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जा रही है? नहीं नहीं नहीं, हमें सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं है। हमने अभी किया ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि सरकार से लें। हम अपनी तरफ से ही करते हैं, जो भी करते हैं केवल अपना प्रयास है। हाँ, अपना प्रयास है। तो आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि जब तक हमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जाएं आगे। तो आपकी संस्था का जो कार्यालय वो कहाँ पर है? कार्यालय तो अभी नहीं है, क्योंकि हम अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हम कुछ ही लोग हैं। अगर भगवान की कृपा से हुए तो हम कर सकते हैं, देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। है जाओ।